సృష్టికర్తా లోకకర్తా సర్వకారణకర్త. పుత్ర విశ్వరథ్, नमो पितामह ब्रह्माय नमः. तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, मांगो. हे सृष्टि के रचयिता, हे पूज्यवर, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं. किंतु तुम्हारे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है पुत्र? हे पूज्यवर, शस्त्रों से अधिक शक्ति और कहां. मुझे वो सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्ध प्राणियों आदि के पास है. हे पूज्यवर, मुझे नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चाहिए. मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपने अहंकार और क्रोध पर विजय का वरदान मांगोगे पुत्र. अहंकार तो क्षत्रिय की पहचान है और क्रोध उस पहचान का ध्वज. तो हे पूज्यवर, मैं कैसे अपनी पहचान और उस पहचान का ध्वज त्याग सकता हूं. यदि आप मेरी तपस्या से मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो सब दें जो मैं आपसे मांग रहा हूं. यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, तो मैं फिर आपकी तपस्या करूंगा और आपको विवश कर दूंगा अपनी तपस्या से कि आप मुझे वो सब दें जो मैं आपसे मांग रहा हूं. तुम्हें ज्ञान चाहिए या सफलता? हे पूज्यवर, सफलता ही तो ज्ञान का परिणाम है. तो मांगो. सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र और उनके प्रयोग का ज्ञान. इस कोलाहल से आप लोगों को जो कष्ट हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं. इस मूर्ख अभिमानी का कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ब्रह्मर्षि.
और अब तो वो दिव्यास्त्र लेकर आ रहा है ऋषिवर। ये कोई युद्ध थोड़ी ही है कपिल जी, किंतु अग्नि की सहायता के बिना लोहा पिघलाया भी नहीं जा सकता ना। दिए में जितनी बाती डालेंगे उसका घी उतना ही शीघ्र समाप्त होगा। उसके व्यक्तित्व के दीपक में उसके अहम का घी जल रहा है, और हर दिव्यास्त्र को उस दिए की एक एक बाती मान लीजिए। उसके अहंकार के कवच को तोड़ने के लिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता तो है। आइए राजन, आपका स्वागत है। पहले उठकर अपने राजा ऋषि वैश्यरथ को प्रणाम कर ब्राह्मण, और नंदिनी भेंट कर तो कदाचित हम तेरे पिछले अपराधों को क्षमा भी कर दें। आदर करवाया नहीं जाता राजर्षि विश्वरथ, आदर किया जाता है। अपने आप को आदर के योग्य सिद्ध कर देंगे उस दिन यह वशिष्ठ ही क्यों। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सभी आपका आदर करने लगेंगे। अब आप राजा नहीं राजर्षि हैं। अब आप अहंकार की शैली छोड़िए, ज्ञान का वस्त्र नम्रता है। हम तुमसे नैतिकता की शिक्षा लेने नहीं आए हैं वशिष्ठ, हम तुम्हें यही शिक्षा देने आए हैं कि राजा का आदर करना प्रजा के हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। और यह भी न भूलो वशिष्ठ कि अब हम वो विश्वरथ नहीं रहे जो तुमसे हार कर लौटे थे। अब हम वो विश्वरथ हैं जिसने स्वयं ब्रह्मा को अपने सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया है। हम ब्रह्मा के शस्त्र कोष के सारे दिव्यास्त्र लेकर लौटे हैं। ब्राह्मण सारे दिव्यास्त्र। किंतु आपको मांगना न आया, और जब परम पिता स्वयं प्रकट हुए तब आप केवल दिव्यास्त्र मांगकर संतुष्ट हो गए। ओ राजन, दिव्यास्त्रों के साथ साथ नम्रता का कवच भी मांग लिया होता। समय नष्ट न करो वशिष्ठ, हम कह चुके हैं कि हम यहाँ तुम्हारा सदुपदेश सुनने नहीं आए हैं, नंदिनी लेने आए हैं। नंदिनी, आपकी तपस्या ने तो आपके अहंकार को और भड़का दिया है राजन। अग्नि भड़कती है तो लकड़ी के भस्म होने में विलंब नहीं होता राजर्षि। ब्रह्मर्षि कपिल, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि सारे अस्त्र मेरे पास हैं, इसलिए चुप रहो तुम दोनों। युद्ध मेरे और वशिष्ठ के बीच में है। ब्रह्मर्षि गौतम और कपिल ठीक कह रहे हैं राजन, आपके तप ने आपकी तमस्या और बढ़ा दी है। आप पहले से कहीं अधिक आत्म केंद्रित होकर लौटे हैं। राजा का यह कर्तव्य है कि जन समुदाय की संपत्ति की रक्षा करे। आप राजा नहीं लुटेरे हैं, और आपका विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आप राजर्षि बनकर जन समुदाय को धोखा नहीं दे सकते राजन। वशिष्ठ, आप केवल एक नदी है राजन, नदी जिसका लक्ष्य यही है कि सागर से मिलकर अपनी पहचान खो दे। अपनी पहचान खोए बिना कोई नदी सागर नहीं बन सकती, और जो नदी अपनी इस मर्यादा का उल्लंघन करती है उसे निर्दयी मरुस्थल पी जाता है। मैं भी एक नदी हूं, मैं सागर में मिल गया हूं। आप भी एक नदी हैं, सागर से जूझ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने परिवार से, कोई परिवार अपने गांव से, कोई गांव अपने क्षेत्र से, कोई क्षेत्र अपने राष्ट्र से अवश्य युद्ध तो कर सकता है, परंतु जीत नहीं सकता। वैसे ही कोई नदी
अपने सागर से युद्ध करेगी तो उसके भाग्य में मरुस्थल में खो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए अपने सागर की सेवा के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए मानव कल्याण के लिए। आपकी प्रजा आपके लिए नहीं है राजन, आप अपनी प्रजा के लिए हैं। बोल चुके तुम, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा न ले ऋषि। यदि जीवन से प्रेम है तो सौंपते नंदिनी हमें। जीवन मेरा है ही नहीं तो मैं उससे प्रेम क्यों करूं? यह जीवन तो मेरे पास ईश्वर की धरोहर है, न मैं इसे किसी को देने का अधिकारी हूं और न ही कोई इसे मुझसे छीन लेने का अधिकारी है। और जब प्रेम करने के लिए मेरे पास स्वयं भगवान हैं, तो मैं जीवन से प्रेम करके प्रेम का अपमान क्यों करूं? हम नंदिनी मांग रहे हैं ऋषि, नंदिनी। नंदिनी मेरी है ही नहीं तो दे कैसे दूं? तो फिर हम उसे बलपूर्वक ले जाएंगे। आप पहले भी ये प्रयत्न कर चुके हैं राजन। नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। पहले मुझे हराइए फिर इसे ले जाइए। तुम हमसे युद्ध करोगे? तुम? मैं योद्धा नहीं हूं, परंतु आप जैसे योद्धा को समझाना मेरा कर्तव्य है कि आप जो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे शब्द कोश में ठीक उचित अनुचित जैसे शब्द है ही नहीं ब्राह्मण। हम जो करेंगे वही ठीक है। मैं इसे ले जाने तो नहीं दूंगा राजन। तो फिर युद्ध करो, सावधान। Thank you.
जिन अस्त्रों पर आपको इतना अहंकार था राजन, उन अस्त्रों ने आपका साथ नहीं दिया। आपने निसंदेह घोर तपस्या की है, उसके साक्षी दिव्यास्त्र हैं, जो आपके अभिमानी हाथों में पड़कर व्यर्थ सिद्ध हुए। दोष अस्त्रों का नहीं है, बीज चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, यदि वो भूमि उत्तम नहीं है जिसमें ये बीज बोया जा रहा है, तो उपज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोष गुरु का नहीं है, वो तो देता है, परंतु शिष्य को भी उसके योग्य होना चाहिए। अहंकार की भूमि से कोई अंकुर नहीं फूट सकता। आपने शक्ति का दुरुपयोग किया है राजन, और शक्ति का दुरुपयोग पाप है। ऋषि आश्रम शिक्षा और सभ्यता के केंद्र होते हैं, वृत्त के बीच का बिंदु। यदि आप इस बिंदु को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो चक्र अर्थहीन हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि परिधि का आधार ही ये बिंदु होता है। इसलिए केंद्र से न लड़िए। यदि केंद्र अशक्त होगा तो संपूर्ण देश अशक्त हो जाएगा। अपने अहंकार पर विजय पाने का प्रयत्न कीजिए, इसी में आपका मोक्ष और आपके देश का कल्याण है। यह न समझ लेना वशिष्ठ कि तुम्हारे और हमारे बीच में यह युद्ध समाप्त हो गया है। यह इस युद्ध का अंत नहीं है वशिष्ठ, यह इस युद्ध का आरंभ है। अब तक यह युद्ध नंदिनी के लिए था, अब ये युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। आज हम राज ऋषि हैं और तुम ब्रह्म ऋषि, परम तुम्हें अब ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे, और जब ब्रह्म ऋषि बनकर हम लौटेंगे तो तुम्हारे इस मायावी दंड की शक्ति को भी हम देख लेंगे। ब्रह्म ऋषि होने के मार्ग का पहला चिन्ह ही नम्रता का है राजन। पहले अपने अहम के राक्षस का वध कीजिए, जब तक आपका व्यक्तित्व उसकी परछाई बना रहेगा तब तक आप ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। क्या ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि होना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? नहीं राजन, नहीं। हर मानव परमपिता ब्रह्मा का वंशज है, फिर जाति भेद कैसा? जाति का आधार जन्म नहीं कर्म है। जन्म लेने वाला हर बालक शूद्र होता है, क्योंकि उसके कर्मों की झोली रिक्त होती है। ब्राह्मण पुत्र शूद्र हो सकता है, शूद्र पुत्र ब्राह्मण। इसलिए आप अपने क्षत्रिय होने पर गर्व न कीजिए। अपने कर्मों को न्याय की तुला में तोलकर देखिए कि आप क्षत्रिय हैं भी या नहीं। जन्मना जायते शूद्र, कर्मणा जायते द्विजः। वेद ज्ञानन्तु विस्त्राणां, ब्रह्म ज्ञानन्तु ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वो क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण हो सकता है। जैसे जैसे वेदों का ज्ञान बढ़ता है और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब ब्राह्मण हो जाता है।
गुरुकुल में हमने भी यही पढ़ा है, परंतु ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य। और सत्य ये है कि हम जन्म से क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे, और अब हम तुम्हें एक क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे, क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि। ये युद्ध केवल तुम्हारे और हमारे बीच में होगा वशिष्ठ, और ये युद्ध हम जीत कर ही रहेंगे। तुम्हारे ब्रह्म ऋषि होने का घमंड हम चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे वशिष्ठ।